हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन पढ़ेंगे। इसमें हम पहले वाले टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में। इसमें अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम जो प्लांट्स हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, उनका खाना बनाते हैं उनसे, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एज ए फूड यूज करते हैं। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जिनको हम खाते हैं या जिनसे हम खाना बनाते हैं उन पार्ट्स को बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। मान लो हम पालक खाते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं, तो एडिबल पार्ट क्या हुआ? लीव्स। मान लो मैंगो है, मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा हुआ? फ्रूट्स। ब्रिंजल का एडिबल पार्ट कौन सा हुआ? ब्रिंजल, जो फ्रूट है। तो इस टाइप से जो पार्ट हम प्लांट्स का खाते हैं उसको एडिबल पार्ट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उसके दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी होते हैं। जैसे मूली है, हम उसकी रूट्स भी खाते हैं और उसकी लीव्स भी खाते हैं। लीव्स और रूट्स, ये एडिबल पार्ट्स हो गए। इसी तरह से जो चना है, उसका फ्रूट भी खाते हैं हम और उसकी लीव्स भी खाते हैं, उसकी स्टेम भी खाते हैं, ये एडिबल पार्ट्स हो गए। इसमें एग्जाम्पल लिया, जैसे ब्रिंजल करी बनाते हैं तो उसमें ब्रिंजल, चिली यूज होती है, ऑयल यूज होता है, और मस्टर्ड, सोयाबीन या और किसी चीज़ का ऑयल यूज होता है। तो ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स। और सोर्सेज इसमें क्या हो गए? जैसे ब्रिंजल है, इसका सोर्स हो गया प्लांट, चिली का भी प्लांट हो गया, ऑयल जो है इसका सोर्स हो गया या तो एनिमल या फिर प्लांट। प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट, ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के किस पार्ट से हमें मिले हैं। जैसे ब्रिंजल है वो फ्रूट है, चिली है वो भी फ्रूट है, ऑयल जो वो हमें सीड से मिला है। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर एडिबल। यहाँ पर लिखेंगे एडिबल। ऐसे ही हम किसी प्लांट के फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट के स्टेम्स खाते हैं, किसी प्लांट के रूट्स खाते हैं। बनाना जो प्लांट है उसके भी हम डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खाते हैं, उसका फ्लावर को भी खाया जाता है। थिंक मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पहले बताए हैं, अब ये और पढ़ लेते हैं। जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स का जो ये वाला पार्ट है जो जमीन के अंदर होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। इसमें प्राइमरी रूट तो ये है मेन, जो मेन है, और ये जो साइडों में है ये सेकेंडरी रूट है, इसके अंदर ये रूट सिस्टम आता है। और जो जमीन के जो बाहर होता है ये वाला पार्ट पूरा, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। सोइल के जो अंदर रहता है उस पार्ट को छोड़कर जो पूरा प्लांट होता है वो शूट सिस्टम आता है उसके अंदर, ये होता है बड। और जो ये है एक ब्रांच से जो दूसरी ब्रांच होता है, जो ये है यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये इंटरनोड कहलाता है। यहाँ पर जहाँ पर ये लीव्स हैं या ब्रांच जुड़ी होती है ये नोड होता है, और ये पत्तियाँ होती हैं, ये जो बीच का हिस्सा है ये पूरा ये होता है स्टेम, और ये फ्रूट्स हैं, ये फ्लावर हैं। इसमें शूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, इंटरनोड, नोड, ये सब आते हैं। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं उनको खाना चाहिए, लेकिन जो अननोन प्लांट्स होते हैं उन्हें उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं। ये एक्टिविटी 5 है। मूंग दाल है, उसको भिगोया है एक दो दिन के लिए, और उसके बाद ये ऐसी दिखाई देती है। इसमें जो वाइट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है ये होती है स्प्राउट्स, और ये जो सीड्स हैं इसको बोलते हैं ये स्प्राउटेड हो गए हैं, और जो वाइट वाइट जो होते हैं वो बोलते हैं स्प्राउट्स। जो चने होते हैं उनको भिगोते हैं, ये भी स्प्राउटेड हो जाते हैं, ये वाइट स्ट्रक्चर हैं, ये स्प्राउट्स हैं, और ये जो चना है ये स्प्राउटेड हो गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं अपना फूड खुद बनाते हैं और ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जब इनको जमीन में दबाया जाता है तो ये बड़ा प्लांट बन जाता है। स्प्राउटेड जो चना है या दाल है इनको खाना चाहिए, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं। हनी कैसे बनता है? ये बिहाइव है, जो मधुमक्खी उनका छत्ता बोलते हैं, और ये इसमें हनी बनाती हैं। हनी कैसे बनाती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्वीट जूस है ये कलेक्ट करती हैं और इसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो ये हाइव होता है इनमें इनको स्टोर रखती हैं। इस हाइव में छोटे छोटे होल होते हैं, जो हनी बीज हैं वो इसके अंदर रहती हैं। लेकिन हनी है ये पूरे साल ही नहीं बना सकती, क्योंकि फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर ईयर में कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल होता है। प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स आते हैं तब ये हनी
बना लेती हैं और पूरे साल के लिए ये यूज करती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। आपने भी बीहाइव देखा होगा और इससे हम भी शहद कलेक्ट कर लेते हैं, इससे शहद निकाल लेते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर टॉपिक समझ आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।